नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीएफसी के टॉप मैनेजमेंट, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा जी हैं, डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडिशनल चार्ज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इश्यू है कि पीएफसी अपना एनसीडी इश्यू लेकर आ रहे हैं उन पर बात करने के लिए, तो हम मैम से बात करते हैं। मैम गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैम गुड मॉर्निंग। मैम फर्स्ट क्वेश्चन कि जो ये पीएफसी ये पूरा एनसीडी इश्यू लेकर आ रहे हैं 5,000 करोड़, आई बिलीव ये बेस जो रहेगा उसका 500 करोड़ एंड ग्रीन शू ऑप्शन में 4,500 करोड़। मैम इसके बारे में ही जानना चाहते कि ये एक आम आदमी के लिए भी एनसीडी है, क्या वो इस एनसीडी में एक आम आदमी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं? जी, इसमें प्राइमरी फोकस आम आदमी की इन्वेस्टमेंट के लिए ही है। पीएफसी चाहती है कि आम आदमी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को पार्टनर दे, आप उनके साथ चले और उनमें उनको फंडिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। सो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए, आम आदमी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें सिर्फ 10,000 रुपए की करी है गई है, जिसके बेसिस पर और 40% एलोकेशन इज फॉर द रिटेल। सो द इशू इज फ्रेम्ड टू कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ओनली। ओके ग्रेट मैम। मैम ये टू ट्रांचेस में है आई बिलीव। फर्स्ट ट्रांच आपकी 5,000 करोड़ है, सेकेंड ट्रांच का कुछ बताएं कि वो कब तक आना है? प्रोस्पेक्टस इसमें 10,000 करोड़ का फाइल किया गया है। इसमें फर्स्ट इश्यूएंस 500 करोड़ विद द बेस इश्यू साइज अप टू 4,500 अंडर द ग्रीन शू ऑप्शन। सो डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स ऑन द फर्स्ट इश्यूएंस हम उसके लिए सेकेंड इश्यू के लिए प्लान करें। ओके मैम ये कब तक लिस्ट हो जाएगा? ये इन लाइन विद द गाइडलाइंस इश्यू क्लोज होने के 4-5 दिन के अंदर अंदर वो लिस्ट हो जाएगा। ओके परफेक्ट। मैम अगर मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो एनसीडी इश्यू है ये कल से शुरू हो रहा है और 28 जुलाई को ये एंड होगा, तो आपके पास लगभग एक हफ्ता है पूरा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं 10,000 रुपीज के साथ जैसा मैम ने बताया। मैम ये जानना चाहता हूँ फॉर शेयर होल्डर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कि ये जो 5,000 करोड़ आपको मिलेंगे इसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइमरीली फंडिंग करती है पावर सेक्टर को। सो ये 5,000 करोड़ हमारे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा एंड इसमें सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से ओनली 25% विल बी यूटिलाइज्ड फॉर सर्विसिंग ऑफ द डेट, बाकी सारा पोर्शन लेंडिंग फॉर द पावर सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और अदर रूटीन बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज होगा। ओके मैम मैं देख रहा था कि इसमें जो आपकी जो आप इन्वेस्टर्स को जो इस एनसीडी को सब्सक्राइब करेंगे उसमें वेरियस कैटेगरीज में 7.44% से 7.54% तक के इंटरेस्ट ब्रैकेट्स हैं। मैम ये तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो गई, लेकिन जो यील्ड जो निकल कर आएगी जो आप इसको फर्दर जो प्रोजेक्ट्स में देते हैं पैसा वो यील्ड कितनी हो सकती है? वो यील्ड इट अप्रोक्सीमेटली 9-10% के बीच में होगी, क्योंकि उसके लिए हमें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोविजनिंग भी करनी है और अदर एक्सपेंसेस को मिलाने के बाद दिस इज दैट विल बी द इफेक्टिव रेट फॉर लेंडिंग। ओके सो मैम जो ये लैंडिंग होती है लाइक एनसीडीज की जो टाइम पीरियड होता है ये थोड़ा लंबा होता है, तो इसी तरह से आपकी लैंडिंग पर भी यील्ड निकल कर आती है कि 9-10% जो आप प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं जिनको वो भी लॉन्ग टर्म जेस्टेशन पीरियड वाले ही होते हैं? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सबसे बड़ी जरूरत ये होती है क्योंकि प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म फंडिंग अवेलेबल करवाना, शॉर्ट टर्म फंडिंग से वो उनकी वायबिलिटी निकलनी मुश्किल होती है। दे हैव अ लाइफ ऑफ, अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो द लाइफ ऑफ द एसेट इज 20-25 years। सो अकॉर्डिंगली हम 80% ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ मे बी 18-22 years तक की ही फंडिंग जनरली करते हैं। सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म फंडिंग और इसीलिए हमारा फोकस लॉन्ग टर्म बोरिंग पर ज्यादा रहता है। मैम इस पूरे फिस्कल ईयर के लिए आपकी क्या प्लान्स हैं पीएफसी के कि कितना कंपनी मार्केट से रेज करने की प्लान किए हुए है, क्योंकि ये तो एक ट्रांच है
लेकिन आपको और भी बहुत सारी शायद वेरियस मीन से आप शायद पैसा रेज करने का प्लान करेंगे, तो इस साल के लिए क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं आप? FY24 के लिए हमारा टारगेट 80,000 करोड़ का है, जो कि हमने स्टॉक एक्सचेंज में भी फाइल किया हुआ है. सो वो वेरियस सोर्सेज से उठाया जाएगा. इट विल बी पार्ट ऑफ विल बी फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट एंड पार्ट ऑफ इट विल बी फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट. ओके. एंड मैम, पीएफसी का जो आपने जो लोन एक्सपोजर है जो आप देते हैं, उसमें कितना बड़ा पार्ट है जो कि कन्वेंशनल एनर्जी को, और जो अगर हम देखें तो विंड पावर या हाइड्रो पावर, इस तरह से कुछ बता सकें कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को कितना दे रहे हैं और कितना नॉन रिन्यूएबल को दे रहे हैं? देखिए, हमारे पोर्टफोलियो में टोटल अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो का 12% जो है लेंडिंग रिन्यूएबल पोर्टफोलियो के लिए है. सो टोटल में हमारा जनरेशन में कन्वेंशनल जनरेशन में 42% है और रिन्यूएबल में जैसे मैंने आपको बताया 12% है. ओके. तो मैम, कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं जो कि जिनको इनिशियली फंडिंग की जरूरत नहीं होती है, पावर फाइनेंस उनके साथ इनिशियली नहीं जुड़ता है, लेकिन उनको बीच में जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि पावर का जब एक प्रोजेक्ट लगता है तो उसके काफी साल लग जाते हैं उसको जनरेशन तक के पीरियड पर आने के लिए, तो उस बीच में उनको फंडिंग की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो पीएफसी किस तरह से डिजाइन करता है कि उनको बीच में ये देखता है कि ये कितना वाइबल है प्रोजेक्ट, किस तरह से फाइनेंसिंग के आप प्लान करते हैं मैम? देखिए, हम एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और हमारी स्पेशलाइजेशन पावर सेक्टर में मानी जाती है. सो हम अगर वो इनिशियल फंडिंग के लिए आता है तब तो डिटेल्ड अप्रेजल होता ही होता है. सो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी वर्कआउट होती है कि उसके रेवेन्यूज कितने हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है. आपको पता है कि पावर सेक्टर में रेगुलेटेड टैरिफ है, तो उसको टैरिफ के हिसाब से उसका रेवेन्यू जनरेट होगा. एंड उसके अलावा ये एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया 20 से 25 साल इज द लाइफ ऑफ द एसेट. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस हिसाब से रेवेन्यू होता है, अगर कोई प्रोजेक्ट जैसा आपने कहा बीच में आता है, जो मैं समझी कि उसमें आप कह रहे हैं कि अगर कॉस्ट ओवर रन होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो बीइंग डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं. उसमें क्या वायबिलिटी बन सकती है, किन टर्म्स पे वायबिलिटी बन सकती है, अगर उसको लॉन्ग टर्म फंडिंग के साथ प्रोजेक्ट वायबल बन रहा है तो हम उसको लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या उसकी डेट इक्विटी होगी. सो वी हैव एग्जॉस्टिव पॉलिसीज एंड हमारी पॉलिसीज के हिसाब से ही अप्रेजल किया जाता है, जिसके बेसिस पर इसकी फंडिंग को डिसाइड किया जाता है. जी मैम, इंडिया के पावर सेक्टर को आप कितना ग्रो होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो उसमें पावर सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप? इस चीज को तो अप्रिशिएट करेंगे ही कि पावर के बिना तो आज की डेट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो चाहे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, चाहे हमें इंडिविजुअल की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, पावर सेक्टर का एक बहुत क्रूशियल रोल है. इंडिया एक नाउ इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, हमारी यंग जनरेशन हाईएस्ट है. इन सब चीजों को देखते हुए डे बाय डे इंडिया में पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है. इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज देखें, 24/7 अफोर्डेबल रिलायबल पावर, तो इन सब चीजों को फोकस में रखते हुए, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया है पंचामृत एलिमेंट्स में, इंडिया ऑलरेडी फोरफ्रंट पे है रिन्यूएबल और क्लाइमेट चेंज के इशू पर. हमारा मैंडेट है कि 500 गीगावाट ऑफ द कैपेसिटी शुड बी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल, जिसके लिए अभी बहुत काम करना बाकी है. अगर हम कहते हैं कि 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगेन इज रिक्वायर्ड टू बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, जिसके लिए एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस है, हम नए नए एरियाज को देख रहे हैं, हाइड्रोजन है, ऑफशोर विंड है, ग्रीन अमोनिया है, इन सब पे फोकस कर रहे हैं.
अगर हम इन चीजों को देखें और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय 2030 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडिया विल ऑलमोस्ट बी डबल। सो हमने जो 75 साल में काम करा हम आगे 7 साल में करने की बात कर रहे हैं, तो आप उससे सोच सकते हैं कि इंडिया की पावर स्टोरी कहां तक जा रही है। पावर इज गोइंग टू रिमेन एज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। गुड पॉइंट टेकन मैम। लास्ट क्वेश्चन मैम, पीएफसी के लिए जो ये आप अगर हम देखते हैं कि बैंकिंग या जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके थोड़े से एनपीएस का भी इश्यू रहता है, तो मैम पीएफसी क्या टारगेट लेकर चलता है कि इतने परसेंट एनपीएस तक दे आर कंफर्टेबल पे? अगर आप एनपीएस की बात करेंगे, अगर पीएफसी को देखेंगे, लास्ट 4 से 5 साल में हमने इस पर बहुत काम करा है। हमारे एनपीएस आज की डेट में वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडस्ट्रीज आर एट अराउंड 1%। सफिशिएंट प्रोविजनिंग हुई हुई है। हम ये मानते हैं कि जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स जिनका रिजोल्यूशन अभी पेंडिंग है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें कोई एडिशनल हिट होगा। सो इन गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी विल बी एबल टू मेंटेन दैट लेवल्स। मैम वो जो 24 जो आईबीसी पे जो स्ट्रेस वाले केसेस हैं, इनकी टोटल वैल्यू में पीएफसी का कितना बड़ा पार्ट है? अगर हम 2019 से देखें तो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर में बात करूं तो 30,000 करोड़ थे। ओके, बट इवेंचुअली आज की डेट में वो रिड्यूस होके दे आर जस्ट 15,000 करोड़। उसके अलावा भी जो हमारी मेजर 3 या 4 एसेट्स हैं उसमें काफी एडवांस्ड स्टेज में काम चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगे, जो कि फर्दर हेल्प करेगा हमारे एनपीएस को डाउन करने के लिए। बिल्कुल, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एनसीडीज इश्यू मैम, एंड वी होप कि आपके 5000 करोड़ की फर्स्ट ट्रांच तो ढंग अच्छे से कंप्लीट हो, एंड वी विश कि आपकी सेकंड ट्रांच भी जल्दी आती हुई दिखाई दे और इससे एक जो आम आदमी है उसको भी अच्छा इंटरेस्ट मिले और जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो जब कंपनी की जो यील्ड जो आप अर्न करते हैं उससे उनको रिवॉर्ड्स मिले। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।